ब्रेकफास्ट के लिए आज हमारी ज्यारत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग की ज्यारत है, जा रहे हैं हम लोग ज्यारत के लिए आज। मैं बैठने को जा रहा हूँ, सुबह गिरा दे तो यार, कुछ तो है लपड़ा सारा यहाँ पे। अपना दोस्त, तुम लोग तो दोस्त अपने दोस्त को बोल रहे थे ना, कुछ है मामा, कैसे खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी बस आ गई, अभी हम लोग निकलेंगे, ये हमारा होटल है, बैठी है ना अम्मी। अजवा खजूर को जो फजीलत हासिल है, वो हुजूर के बारगाह में एक दिन तशरीफ लाए तो देखे कि मेरे आका ने देखा कि बिलाल का चेहरा जो है मखदूम है, परेशान हाल है। तो आका ने फरमाया, बिलाल क्या बात है? तो हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे भाई एक तो मुझसे खजूर नहीं खरीदते, उल्टा मेरी मजाक उड़ाते हैं। बोले, कैसी मजाक? भाई कहते हैं कि भाई बिलाल, जैसा तू काला है वैसा तेरा खजूर भी काला है। मेरे आका सुनने के बाद मुस्कुरा दिया। आका फरमाते, बिलाल जाओ आज से मदीने की गली में ऐलान कर दो कि आज के बाद जो अजवा खजूर के साथ दाने खा लेगा उस पर कभी जहर असर नहीं करेगा, सुभान अल्लाह। और आज के बाद अजवा खजूर हर बीमारी के लिए शिफा है। ये मदीने बिलाल है, सुभान अल्लाह। जो भी शॉपिंग वगैरह करना हो, आप 10,000 अजिल्ले सहाबा आप तबे ताबईन आराम फरमा रहे हैं, माशाल्लाह। देखिए बकी शरीफ, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई अपने घर से बावजू होकर के निकले या ये हदीस तो ऐसी है, ये हदीस है कि आप वहाँ जाके वजू करें और 2 रकात नमाज अदा करें तो उसे मकबूल उम्र का सवाब मिलता है। आपने जो उम्र हमने किया उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ आपने नमाज पढ़ दिया और कबूल हो गई तो मकबूल उम्र है, सुभान अल्लाह। तो देखिए बस का नंबर याद रखिए, अल्लाह ताला जो है आप मस्जिद बख्शी बस मत चलाइए। ये देखिए बिल्कुल दायरे पर देखिए, ये नबी शरीफ का कब्रिस्तान है। पूरी दुनिया में जो है दो कब्रिस्तान सबसे अफजल वाला है, ये पक्की का कब्रिस्तान है, ये माला का कब्रिस्तान है। इसी मकाम पर हजरत खातून जन्नत भी आराम फरमा रही है। हजरत 10,000 अजिल्ला सहाबा, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजार कुरनवार भी पक्की शरीफ में है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा भी इसी मकाम पर आराम फरमा रही है, माशाल्लाह। देखे सामने गुंबद कितना नजर आ रहा है। इसी रास्ते से जो मस्जिद कुबा जो है पैदल आया, सुभान अल्लाह। आगे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसको पूरा वादी बखान है, जन्नत की वादी है बखान, इसको जो है जन्नत की वादी। अपने आका यहां से ही कुबा मस्जिद जाते थे रोज पैदल, तो ये पूरा वादी बखान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद नबवी शरीफ से पैदल आते थे मस्जिद कुबा नमाज पढ़ने, सुभान अल्लाह। लेफ्ट साइड में देखिए बाग सलमान फारसी भी आपको नजर आएगा, ये पूरा खाकी सुभान जो है पिलाया जाता था, बीमारी दूर हो जाती है।
सुभान अल्लाह, पूरा इलाका जो है वो खाकी शिफा का इलाका है, उसमें काफी मुबारक हाथ से उस मस्जिद की तामीर फरमाए हैं। साहबा इकराम पत्थर पत्थर बालू वगैरह मिट्टी पानी ला करके दिया करते, तो हुजूर अपने हाथ से जो है मस्जिद कुबा की तामीर फरमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दो रकात नमाज वहाँ पे पढ़ना एक मकबूल उम्र का सवाब है। आवाज नहीं आ रही है तो नहीं पढ़े पढ़े सब पढ़े जाना होगा नमाज पढ़िए, फिर आपको जब भी जो टाइम मिले दो रकात चार रकात दो दो रकात करके नमाज पढ़िए। और मस्जिद सुभान अल्लाह जिसकी सभी अल्लाह अकबर सब नमाज कर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दो रकात नफिल नमाज पढ़ना है। यहाँ पे हमारे आका आते थे मदीने से, मस्जिद नबी से कुबा तक पैदल आते थे हमारे आका। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है मस्जिद कुबा। तो अभी हम लोग को जल्दी जाना है बस की तरफ। हाँ सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कितने सारे खजूर है, उसमें खजूर के बाग है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे खजूर है, यहाँ पे खजूर ही खजूर है। यहाँ तो अंदर अंदर बिकेगा फ्रेंड्स यहाँ कुछ मिले ना मिले लेकिन खजूर मिलेगा और उसी से पूरी जिंदगी गुजर सकती है। खजूर में शिफा भी है, दवा भी है, सब कुछ है। ज़ियारत तो नहीं है, खरीदारी करेंगे। ये कोई ज़ियारत नहीं है, ये खरीदारी करने के लिए है। इतने है था 3 किलोमीटर दूर तक जो है ये खंडक खोदा गया।
अलहमदिल्ला ये दाहिने तरफ ऊपर जो देखे मस्जिद है मस्जिद फतह है अकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पर जो रकात नमाज अदा फरमा के जंगे खंदक की फतह होने की दुआ मांगते हैं। अल्लाह तआला हमारी इन ज़ियारतों को कबूल करे। पहाड़ के ऊपर है हां ले लो आसर का वक्त हो गया तो हुजूर इस मस्जिद में तशरीफ लेकर गए मस्जिद क़िबलतैन में। यहाँ पे अभी काम चालू है इसलिए उतारा नहीं जा रहा है तो अलहम्दुलिल्लाह देखिए आप दूर से ज़ियारत कर फरमा लें। लेफ्ट साइड में ये मस्जिद देखा हो गया हुजूर इस मस्जिद में तशरीफ लेकर के गए और बार बार जो है हुजूर आसमान की तरफ नज़र उठा करके दुआ मांगते थे हमेशा क्योंकि यहूदियों ने ताना देना शुरू कर दिया था कि मोहम्मद आप तुम नया दिन तो लेकर के आए हो लेकिन तुम जो है हमारे क़िबले की तरफ रुक करके नमाज सुभान अल्लाह यानी तमाम अंबिया कराम का जो क़िबला बना है रब की मर्ज़ी से बना है लेकिन महबूब अल्लाह फरमाते हैं महबूब आप तो चूँकि महबूब है आप जिधर चाहे अपना रुख कर लें उधर ही क़िबला तो यहाँ पे दो क़िबला है जो बैतुल मुक़द्दस से जो रुक करके नमाज़ पढ़ते थे उधर है और बाद में जो फिर अभी हमारा क़िबला हरम शरीफ जो उसको हम खाना इकबत कहते हैं तो फिर उसकी तरफ जो है जो रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं हालत नमाज में चार रकात की नमाज थी दो रकात नमाज हुजूर बैतुल मुक़द्दस के रुख की तरफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके पढ़े और फिर जो है खाना इकबत अलहम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हुजूर के महबूब चचा आराम फरमाए जहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं वहाँ पे गिर गिरा कर हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्लाह सब की दुआ हुए थे उन सब के मज़ारे पर अनवार हैं अल्हम्दुलिल्लाह कबूल फरमाए। फ्रेंड्स ये है अहद का पहाड़ ये जन्नती पहाड़ है। अपने आका को जिस पहाड़ से मोहब्बत है वो पहाड़ तो जन्नती है और खूबसूरत है बहुत ना पहाड़ दिख रहा है। तो देख अल्लाह मोहम्मद लिखा है वहाँ पे दिख रहा है माशाल्लाह कौन लिखा होगा इतना ऊपर जाके अल्लाह मोहम्मद। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं अहद के पहाड़ की तरफ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगर चाहे तो नमाज पढ़ लेंगे। अभी वैसे हम लोग को बहुत जल्दी बुलाया है वापस से और यहाँ पे मस्जिद है और हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो भी है ना कब्र मुबारक यहाँ पे हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक भी है। और अभी हम लोग सब जा रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं सब लोग धीरे धीरे बस में से करके सो यहाँ पे मम्मी डैडी खाला सब जा रहे हैं और ये मस्जिद है माशाल्लाह कबूतर तो यहाँ पे शान है कबूतर तो यहाँ की अरे उन्होंने फोटो खोसा दे खजूरे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक। कौन सी अंकल ये वाली नहीं खुली नहीं थी पहले भी वो कबूतर बैठे ना कबूतर और ये सब इनके अच्छा वो हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अकाने तो मेरे मतलब एक निशान के तौर पर फतह रखे मतलब यहाँ कुछ आना जाना अंदर यहाँ सत्तर साहबी भी है सत्तर साहबियों के साथ में हमजा रज़ी अल्लाह यहाँ है सुभान जंग हुई थी ना दुआ करो सब लोग ये चाहे सब कबूल करने वाला। ये कौन सी मस्जिद है हमजा मस्जिद हाँ हाँ माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है बहुत बड़ी है यहाँ की मस्जिद बहुत ही बड़ी बड़ी होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। आई डोंट नो खाला ए खाना खाए फ्रेंड्स हमारी सारी ज़्यारतें कंप्लीट हो गई जो हमारे टूर से थी। आई होप आप लोग को भी बहुत अच्छी लगी होगी सारी ज़्यारतें माशाल्लाह से पहली बार ही हमने तो देखा मोहम्मद तो ऑलरेडी आ चुके थे वो तो देख चुके उन्होंने हम लोग को सब बताया है और पहाड़ पे सबसे ऊपर चढ़ रहे थे ये अकेले इनका एक फ़ोटो निकालने का तो ऊपर इनको चढ़ा चढ़ के फोटो निकालना चाहिए कि नहीं ज़्यादा करने सब जगह की हाँ जाना चाहिए ना पर बस वाले ने हम लोग को 10 मिनट्स का ही टाइम दिया है और सब चलेगा देखो सब बस में बैठे बस अपने दिए ना बस छोड़ के जाने वाली है अभी
डैडी भी नहीं आए, भाई भी नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट